हेलो स्टूडेंट्स, हमने हिंदी व्याकरण में एक चैप्टर पढ़ा है लिंग। आज मैं इसी आपको पार्ट हिंदी व्याकरण के लिंग के बारे में बता रही हूँ। लिंग क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का हो, यानी कोई शब्द जिससे हमें ये पता लगे कि ये स्त्री है, स्त्री मतलब फीमेल, पुरुष यानी मेल, स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, जिन शब्दों से उनको क्या कहते हैं? लिंग। और लिंग के कितने भेद होते हैं? टू, दो। पुलिंग, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, यानी वो संज्ञा शब्द क्या है? पुलिंग। और जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसको कहेंगे स्त्रीलिंग। बहुत आसान हुआ, लिंग जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुलिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध हो पुलिंग, स्त्री जाति का बोध हो स्त्रीलिंग। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं बेटा कि वो ज्यादातर पुलिंग ही होते हैं। जैसे दिनों का नाम ले लो आप, दिनों के नाम यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सभी वार जो होते हैं वो पुलिंग होते हैं। अब पर्वतों का नाम ले लो, ज्यादातर पर्वत जैसे कोई भी पर्वत, हिमालय मैंने एक उदाहरण भी लिख दिया, पर्वतों के नाम, वृक्षों के नाम, समूह और व्यवसाय सूचक शब्द जो होते हैं या भाववाचक संज्ञा जो होती है वो सभी पुलिंग होती है। दिन बताया मैंने जैसे सोमवार मंगलवार, पर्वत हो गया हिमाचल विंध्याचल, वृक्ष जैसे पीपल लिंगमादि, समूह मतलब ग्रुप, जब ग्रुप में जो होता है उसको भी हम पुलिंग कहते हैं। व्यवसाय मतलब कोई दुकानदार है, कोई सुनार है, यानी कि जो भी हमारे व्यवसाय है वो सब पुलिंग में शामिल होते हैं। भाववाचक संज्ञाएं जैसे बुढ़ापा, मोटापा, जितने भी भाववाचक इमोशनल वर्ड हैं, यानी कि जो लेकिन संज्ञा होने चाहिए, भाववाचक शब्द नहीं, भाववाचक संज्ञा शब्द, बुढ़ापा, मोटापा आदि ये सब पुलिंग में शामिल होते हैं। अब आ जाइए स्त्रीलिंग। बच्चे स्त्रीलिंग जो है, नदियों के जो नाम होंगे वो क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। किसी भी नदी का नाम लेकर देख लेना, भाषा या लिपि के नाम, मान लो देवनागरी या हिंदी है, जो भाषा है लिपियों के नाम होते हैं वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। सभी तिथियों पर नक्षत्रों के नाम को भी हम स्त्रीलिंग में शामिल करते हैं। सभी लताओं बेलों के नाम को भी हम स्त्रीलिंग में शामिल करते हैं। यानी कि कई बार हमारे एग्जाम में क्या आता है कि स्त्रीलिंग को पुलिंग में, पुलिंग को स्त्रीलिंग में बदलो। तो कुछ नियम होते हैं, दो तीन नियम मैं आपको आज समझा रही हूँ कि पुलिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनता है। जो कोई शब्द होता है पुलिंग, तो उस अक्षर के पीछे हम आ, नी, आनी, आनी, इसमें बड़ी ये वाली आता है कि आनी, इन, ई, इया, इनी, इका, ये लगभग हम ये शब्द लगाकर ही उसको स्त्रीलिंग बना सकते हैं। देखो जैसे मैं आ का उदाहरण दूं, सुन, आ लगाया सुता, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जहां आ लगाकर उसको हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। मोर, नी का एग्जाम्पल लिखा है मैंने, मोर, मोरनी, आनिका, देवर, देवरानी, इन, सुनार, सुनारी, ई, बेटा, बेटी, इया, बंदर, बंदरिया, हाथी, हथीनी, नायक, नायिका। यानी कि आ, नी, आनी, इन, ई, इया, इनी और इका, ये शब्द लगाकर हम क्या बना सकते हैं? पुलिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। और कई शब्द ऐसे होते हैं बच्चे जिनका ना स्त्रीलिंग होता है ना पुलिंग होता है, वो अभी आपको बड़ी क्लास में बताया जाएगा। फिलहाल आपका इतना ही आपको लर्न करना है कि जिन संज्ञा
अक्षर को पुल्लिंग बोलते हैं। नदियों, भाषा, लिपि, तिथियों, नक्षत्रों और बेलों के नाम को स्त्रीलिंग कहते हैं। और हम आनी आनी ये शब्द लगाकर किसी भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल